नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगासन MXR75 टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, प्रेगासन MXR75 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और प्रेगासन MXR टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि प्रेगासन MXR टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। प्रेगासन MXR एक ब्रांड नेम है। प्रेगासन MXR टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। प्रेगासन MXR टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन प्रेगाबेलिन 75 mg और मिथाइल कोबालामिन 1500 माइक्रोग्राम होता है। प्रेगासन MXR टैबलेट का उपयोग न्यूरोपैथिक दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। न्यूरोपैथिक दर्द का मतलब होता है नसों का दर्द। न्यूरोपैथिक दर्द होने पर बहुत तेज दर्द होना, जलन होना, सुइयां चुभने जैसी संवेदना होना, हाथों व पैरों का सुन्न पड़ जाना, मांसपेशियों में कमजोरी होना और बिजली के करंट की तरह झटके के साथ दर्द होना आदि लक्षण न्यूरोपैथिक दर्द होने पर हो सकते हैं। डायबिटीज होने पर, शराब का अधिक सेवन करने पर, शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर, शरीर में कमजोरी होने पर, शरीर में खून की कमी होने पर और रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई समस्या होने पर न्यूरोपैथिक दर्द होने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसके अलावा फाइब्रोमायल्जिया होने पर भी प्रेगासन MXR टैबलेट का उपयोग किया जाता है। फाइब्रोमायल्जिया होने पर पूरे शरीर में दर्द होने लग जाता है और शरीर में थकान रहने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा प्रेगासन MXR टैबलेट मिर्गी और दौरों को भी कंट्रोल करने में मदद करती है। व्यक्तियों को मिर्गी या दौरे आते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी डॉक्टर अन्य दवाओं के साथ प्रेगासन MXR टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में प्रेगासन MXR टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में प्रेगासन MXR टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे वजन का बढ़ना, नींद अधिक आना, सिरदर्द होना, सिर चकराना, कब्ज होना, मुंह में सूखापन होना, ध्यान लगाने में परेशानी होना, शरीर में प्लेटलेट काउंट कम होना, हाथों व पैरों में सूजन होना, आंखों से धुंधला दिखाई देना, पसीना अधिक आना और शरीर में थकान होना आदि साइड इफेक्ट्स प्रेगासन MXR टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगासन MXR टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। प्रेगासन MXR टैबलेट को शाम के समय खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। प्रेगासन MXR टैबलेट एक सस्टेन रिलीज टैबलेट है जो शरीर में धीरे धीरे रिलीज होती है और सस्टेन रिलीज दवाओं का असर 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक रहता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर प्रेगासन MXR टैबलेट को दिन में एक ही बार और शाम के समय खाना खाने के बाद लेने की सलाह देते हैं। प्रेगासन MXR टैबलेट को डॉक्टर 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक लगातार लेने की सलाह दे सकते हैं। प्रेगासन MXR टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको प्रेगासन MXR टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगासन MXR टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लगातार 12 सप्ताह से अधिक प्रेगासन MXR टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेगासन MXR टैबलेट को 12 सप्ताह से अधिक नहीं लेना चाहिए। प्रेगासन MXR टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग और ऐसी मशीनों पर काम नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रेगासन MXR टैबलेट को लेने के बाद नींद अधिक आ सकती है। प्रेगासन MXR टैबलेट के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए।
चाहिए, क्योंकि प्रेगासन एम एक्सआर टैबलेट के साथ शराब का सेवन करने की वजह से नींद आने की समस्या ज्यादा गंभीर हो सकती है। इसलिए प्रेगासन एम एक्सआर टैबलेट के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए प्रेगासन एम एक्सआर टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित व रिकमेंडेड नहीं है। प्रेगासन एम एक्सआर टैबलेट माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है, और स्तनपान करा रही महिलाओं में प्रेगासन एम एक्सआर टैबलेट माँ के दूध के जरिए बच्चे तक पहुंच सकती है और दूध पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को प्रेगासन एम एक्सआर टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका प्रेगासन एम एक्सआर टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।